भाई साहब देखो, ये तीन बच्चे हैं हमारी गली के, एक ये धोनी है, एक विष्णु है और एक यश है। तीनों आज आपको बताएंगे टिकड़ी फोड़ने के देसी तरीके एकदम, जिसको पहले भी यूज़ किया जाता था, आजकल के बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। देखो इस धोनी के पास दिखाओ भाई, क्या तेरे पास? देखो ये है नट नट बोल से बजाएंगे। अब इसको थोड़ा हम पोज कर देंगे। ये देखो भाई साहब, इसमें अब टिकड़ी डाल दी है। अब जाओ, अब विष्णु तेरे पास। देखो भाई साहब, ये प्लास ले रखा है इसने, इसके अंदर टिकड़ी रख रखी है। ठीक है, यस यस के पास नॉर्मल पिस्टल है, इससे चलाएगा ये। ठीक है, ये भी टूटी हुई, देखो जुगाड़ कर रखा है, इसका भी जुगाड़ कर रखा है। देखो ठीक है, और अब चौथा है, ये पत्थर से बजाएंगे। पांचवा उंगली से भी कर सकते हैं इसको। तो पहले धोनी चल बजा के दिखा, धीरे से नीचे नीचे रख, थोड़ा नीचे रख, अब बजा के दिखा इसको। देखिए ये एक नंबर पे, सेकंड वाला, ये देख लो, ये तीन हो चुके हैं, अभी चौथा आप करेंगे। और ये देखिए पत्थर से बजाएगा टिकड़ी को, अभी चल ट्राई कर रहा है, लग जाए ढंग से एक बार। ये ठीक है, चार तरीके हो चुके हैं, पांच और रह गया। उंगली से ट्राई कर भाई, उंगली से ट्राई कर, उंगली से ट्राई कर, पहले उंगली से ट्राई कर। ये आखिरी रह गया है चप्पल से, चप्पल एक नीचे रख के, और ये रख लिए पैर के नीचे। और देखो अब आपको बताना है कि किस वाले इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा आवाज आई थी, इस प्लास से आई थी, या फिर नट बोल्ट से आई थी, या पत्थर से आई थी, या फिर इस पिस्टल से आई थी, या उंगली से आई थी, या फिर चप्पल के नीचे वाले बजाने से आई थी। अब आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ये गली के बच्चे हैं, अभी घर पे बैठे हैं हमारे, अब आगे बजाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम भाई साहब, सभी को थैंक यू।